राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र मेजर डेविड मनलून, नागा रेजिमेंट 164 इन्फेंट्री बटालियन, प्रादेशिक सेना, होम एंड हर्थ, नागा, मरणोपरांत। जून 2017 में उत्तरी नागालैंड में एक ऑपरेशन के दौरान मेजर डेविड मनलून के नेतृत्व में सैन्य दस्ते और उग्रवादियों के एक समूह के बीच भीषण गोलीबारी आरंभ हो गई, जिसमें उग्रवादियों द्वारा ग्रेनेड से किए गए हमले में मेजर डेविड मनलून और 3 अन्य रैंक के जवान घायल हो गए। मेजर डेविड मनलून ने अपनी जान की परवाह किए बिना निकट फासले से गोलीबारी करते हुए उग्रवादियों को रोके रखा, जिससे उनकी सैन्य टुकड़ी और ज्यादा हताहत होने से बच गई। इस तरह उन्होंने 3 उग्रवादियों का सफाया कर दिया। उसके शीघ्र बाद वे अपने जख्मों के कारण शहीद हो गए। मेजर डेविड मनलून ने उग्रवादियों का मुकाबला करने में असाधारण बहादुरी और उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर डेविड मनलून की माता जी श्रीमती मान नुआम नियांग और साथ में है उनके पिताजी श्री एम खान सालम। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र नायक चंद्रा सिंह गुमाऊं स्काउट्स 13वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। नवंबर 2016 में जम्मू और कश्मीर के सोपोर जिले के एक गांव में घेराबंदी और खोजबीन ऑपरेशन के दौरान नायक चंद्रा सिंह उस स्टॉप समूह का हिस्सा थे, जिसने उस लक्षित घर को घेर लिया था जिसमें 2 आतंकवादी छिपे हुए थे। आतंकवादियों ने स्टॉप दस्ते पर भारी गोलीबारी शुरू कर बचकर भागने का प्रयास किया। एक आतंकवादी ने नायक चंद्रा सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया। पूरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद नायक चंद्रा सिंह ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए सशस्त्र आतंकवादियों पर गोलियां बरसाना जारी रखा और उसे मार गिराया। उनके इस वीरतापूर्ण निस्वार्थ कदम ने अन्य सैनिकों की सुरक्षा के साथ साथ एक खतरनाक आतंकवादी का खात्मा सुनिश्चित किया। नायक चंद्रा सिंह बाद में अपने जख्मों के कारण शहीद हो गए। नायक चंद्रा सिंह ने कर्तव्य निष्ठा से ऊपर उठकर वीरतापूर्ण कार्य का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक चंद्रा सिंह की पत्नी श्रीमती चंद्रा कला। जम्मू एवं कश्मीर के बांदीपुर जिले के एक गांव में 3 विदेशी आतंकवादियों की खोजबीन के दौरान मेजर सतीश दहिया ने संदिग्ध मकान की घेराबंदी कर स्वयं को उनके भाग निकलने के रास्ते पर तैनात कर दिया। आतंकवादी अचानक बाहर आए और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। निर्भीक मेजर सतीश दहिया ने डटकर आतंकवादियों का सामना करके एक आतंकवादी को मार गिराया। बचे हुए 2 आतंकवादी आड़ लेते हुए फायरिंग करते रहे। तभी मेजर सतीश दहिया के सीने में गोली लगी, लेकिन गिरने से पहले उन्होंने एक और आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया। तीसरा आतंकवादी घायल अवस्था में घर की तरफ भाग गया। वहां से हटने से इनकार करते हुए मेजर सतीश दहिया ने अपने जवानों को आदेश देना जारी रखा, जिन्होंने तीसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। बाद में वे वीर गति को प्राप्त हो गए। मेजर सतीश दहिया ने अपने शहीद होने तक इस पूरे ऑपरेशन में प्रेरणादायक नेतृत्व और वीरता का प्रदर्शन किया। स्वर्गीय मेजर सतीश दहिया की पत्नी श्रीमती सुजाता दहिया और साथ में है उनकी माता श्रीमती अनीता देवी।
कांस्टेबल मंजूर अहमद नायक, जम्मू और कश्मीर पुलिस, 42वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। जम्मू और कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल मंजूर अहमद नायक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान लक्षित मकान पर तात्कालिक विस्फोट उपकरण लगाने वाले दल का हिस्सा थे। उन्होंने अपनी कुशलता और अद्भुत साहस का परिचय देते हुए सामरिक आवरण का इस्तेमाल करते हुए विस्फोटक उपकरण को लगाकर मकान को ध्वस्त कर दिया। उत्तम युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए मलबा हटाने के लिए भी वे स्वेच्छा से पहुंचे, तभी आतंकवादी ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अद्भुत साहस का परिचय देते हुए अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर आतंकवादी को उन्होंने उलझा कर रखा, जिससे कि उनका दल सुरक्षित बाहर निकल सका। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे लगातार गोलीबारी करते रहे और आतंकवादी को घायल कर दिया। अंततः अपने गंभीर जख्मों के कारण वे शहीद हो गए। कांस्टेबल मंजूर अहमद नायक ने आतंकवादी से लड़ते हुए विशुद्ध धैर्य और कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन किया और राष्ट्र हेतु सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कांस्टेबल मंजूर अहमद नायक की पत्नी श्रीमती नसरीन अख्तर। साजिद खैरनाथ मिलिंद किशोर, भारतीय वायुसेना, गरुड़, मरणोपरांत। विशिष्ट आसूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के हाजिन गांव के बाहर आतंकवादी समूह की खोजबीन के लिए 10 अक्टूबर 2017 की रात को एक घेराबंदी की गई। 11 अक्टूबर को प्रातः 4:40 पर भारी मात्रा में हथियारों के साथ 5 से 6 आतंकवादियों ने अपने छिपने के ठिकाने से सार्जेंट मिलिंद की ओर स्वचालित हथियारों और ग्रेनेड से गोलीबारी शुरू कर दी। सार्जेंट मिलिंद ने आतंकवादियों पर जवाबी गोलीबारी की और अपने सटीक निशाने से उन्हें रोके रखा। तथापि आतंकवादियों द्वारा स्वचालित हथियारों और ग्रेनेड्स की भारी गोलीबारी के कारण सार्जेंट मिलिंद को कई गोलियां लगी और वे जख्मी हो गए। बुरी तरह से जख्मी होने के बावजूद अपनी सुरक्षा की किंचित भी परवाह किए बिना वायुसेना का ये योद्धा डटा रहा और अपनी सटीक गोलीबारी को जारी रखते हुए आतंकवादियों के बच निकलने के रास्ते को रोक दिया। रास्ता बंद हो जाने से आतंकवादियों ने अपने बचाव के लिए अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और सार्जेंट मिलिंद के नजदीक आ गए। इस नजदीकी लड़ाई के दौरान सार्जेंट मिलिंद ने एक आतंकवादी को मार गिराया और दूसरे को बुरी तरह से घायल कर दिया। तथापि उन्हें भी गोली लग गई और अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुए। साजिद खैरनार मिलिंद किशोर ने शस्त्रों से लैस आतंकवादियों का सामना करते समय अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बिना अदम्य निडरता और असाधारण साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय साजिद खैरनार मिलिंद किशोर की पत्नी श्रीमती हर्षदा खैरनार मिलिंद और साथ में उनकी माता जी श्रीमती सुनंदा किशोर खैरनार। कॉर्पोरल नीलेश कुमार नयन, भारतीय वायुसेना, सुरक्षा, मरणोपरांत। विशिष्ट आसूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के हाजिन गांव के बाहर आतंकवादियों की खोजबीन के लिए 10 अक्टूबर 2017 की रात को एक घेराबंदी की गई। 11 अक्टूबर को सुबह 4:40 पर भारी मात्रा में हथियारबंद 5 से 6 आतंकवादियों ने अपने छिपे हुए स्थान से स्वचालित हथियारों से कॉर्पोरल नीलेश कुमार नयन के मोर्चे पर सीधी गोलीबारी की और ग्रेनेड दागे। उन्होंने तुरंत जवाब दिया और छिपे हुए आतंकवादियों पर भारी मात्रा में सटीक जवाबी गोलीबारी की और उनके बच निकलने में बाधा डाल दी। गोलीबारी के दौरान उनके मार्गदर्शक घायल हो गए, पर उन्होंने अपने साथी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गोलीबारी जारी रखी। तभी आतंकवादी उनके स्थान की ओर लगातार गोलीबारी करने लगे, जिसके कारण गोली लगने से वे जख्मी हो गए। अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए कॉर्पोरल नयन
अपने जगह पर टटे रहे और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया। शेष आतंकवादी अब उनकी ओर गोलीबारी करने लगे। इस लड़ाई के दौरान कॉर्पोरल नयन ने दूसरे आतंकवादी को घायल कर दिया। तथापि इस गोलीबारी में उनको कई गोलियां लगी और वे वीर गति को प्राप्त हुए। कॉर्पोरल नीलेश कुमार नयन ने आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए पराक्रम, दृढ़ संकल्प और सखापन की भावना का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कॉर्पोरल नीलेश कुमार नयन की पत्नी श्रीमती मिंशा नयन और साथ में उनकी माताजी श्रीमती बुलबुल देवी। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल बलवंत सिंह नेगी, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एवं बार। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश कुमार दुआ, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। वाइस एडमिरल करमबीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल। मार्शल श्याम बिहारी प्रसाद सिन्हा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल। एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल श्रमण कुमार पटियाल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश शर्मा, अति विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अरूप कुमार दास।
वाइस एडमिरल अरुण कुमार बहल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल जगबीर सिंह चीमा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मार्शल महेश कुमार मलिक, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल जतिंदर सिंह बेदी, सेवानिवृत्त। चौदह फरवरी 2017 पुलिस स्टेशन हाजिन, जिला बांदीपुरा, जम्मू एवं कश्मीर के पैरी मोहल्ला में छिपे दो विदेशी आतंकवादियों के खिलाफ सेना एवं सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान सामरिक बुद्धिमत्ता व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए श्री चेतन कुमार चीता, कमांडेंट 45 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, अपने साथियों के साथ मिलकर युक्ति पूर्वक तरीके से छिप छिप कर आगे बढ़े और मुठभेड़ तथा गोलीबारी के क्षेत्र में पहुंच गए। आपने परिसर के अंदर छिपे एक आतंकवादी को देखा। आगे आने वाले अत्यधिक खतरे की परवाह न करते हुए एक ही क्षण में आपने अपने स्थान से छलांग लगाई और आतंकवादी पर हमला कर उसे मार गिराया। इसी बीच दूसरे आतंकवादी की गोलियों की बौछार में आपको तथा आपके साथ चल रहे जवानों को अनेक गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल श्री चेतन कुमार चीता अपने अद्भुत नेतृत्व गुण का प्रदर्शन करते हुए टुकड़ी को जवाबी गोलीबारी करने के लिए प्रेरित करते रहे तथा आतंकवादी पर स्वयं भी गोलीबारी करते रहे और अपनी टुकड़ी को और क्षतिग्रस्त होने से बचाया। श्री चेतन कुमार चीता ने कट्टर आतंकवादियों का सफाया करने की कार्रवाई में अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए असाधारण नेतृत्व, अनुकरणीय वीरता, अदम्य साहस और युद्ध भावना का प्रदर्शन किया श्री चेतन कुमार चीता। मेजर विजयंत बिष्ट, चौथी बटालियन, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। 6 जून 2017 को रात 9:40 पर जम्मू एवं कश्मीर के उरी जिले के चोरगली जंगल में मेजर विजयंत बिष्ट को घुसपैठ का पता लगा। भीषण गोलीबारी के दौरान कुछ आतंकवादी ग्वालता जंगल में घुस गए। 7 जून को मेजर विजयंत ने आतंकवादियों का पता लगाया। आतंकवादियों का निकट से मुकाबला करते हुए प्रथम स्काउट घायल हो गया। भीषण गोलीबारी के बीच आप अपने जीवन की परवाह किए बगैर घुटनों के बल आगे बढ़े और अपने घायल साथी को खींचकर ओट के पीछे लाए। आपने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए एवं विषम मौसमी परिस्थितियों में भी बचकर निकलने वाले आतंकवादियों का निर्भीक होकर पीछा किया। 9 जून को आपकी दृढ़ता फलीभूत हुई और आतंकवादियों को पुनः देखा गया। आतंकवादियों की निरंतर भारी गोलीबारी से बेपरवाह होकर उन पर ग्रेनेड दागकर एक आतंकवादी को आपने मार गिराया।
दूसरा आतंकवादी गोलीबारी करते हुए आपके सामने आ गया, जिसे आपने बिल्कुल निकट से मार गिराया। मेजर विजयंत बिष्ट ने असाधारण वीरता, कर्तव्य से ऊपर उठकर अदम्य साहस और अनुकरणीय नेतृत्व का परिचय देते हुए दो आतंकवादियों को मार गिराया। मेजर विजयंत बिष्ट। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार शर्मा, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल पुदाली शंकर राजेश्वर, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल सतेंद्र कुमार सैनी, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप एम बाली, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार श्रीवास्तव। लेफ्टिनेंट जनरल गोपाल आर, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कनाल। लेफ्टिनेंट जनरल मनमोहन जीत सिंह कहलोन। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सिरोही, विशिष्ट सेवा मेडल। सर्जन वाइस एडमिरल पवार अनहाद अनंत, विशिष्ट सेवा मेडल।
मार्शल पवन कपूर, विशिष्ट सेवा मेडल एवं बार। मेजर जनरल संजीव नारायण। मेजर जनरल सुरेश चंद्र मोहंती। मेजर जनरल तेजवीर सिंह, सेना मेडल। मेजर जनरल माधुरी कानिटकर, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल राणा प्रताप कलीता, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। रियर एडमिरल इंदरपाल सिंह बाली, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर वाइस मार्शल दीप्तेंदु चौधरी, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। एयर वाइस मार्शल ओम प्रकाश तिवारी, विशिष्ट सेवा मेडल। ब्रिगेडियर गंभीर सिंह। एयर कॉमोडोर इंदरपाल सिंह वालिया, वायुसेना मेडल। एयर कॉमोडोर इंदरपाल सिंह वालिया, वायुसेना मेडल। आठ जनवरी 2016 को बिहार के औरंगाबाद और गया जिले के जंगली क्षेत्र में माओवादियों के मौजूद होने की सूचना प्राप्त होने पर
श्री चंदन कुमार सहाय कमांडेंट निर्भीक ट्रूपर्स की एक छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े। कांस्टेबल अमरनाथ मिश्रा भी इसी टुकड़ी में शामिल थे। माओवादियों की गोलियों की बौछार की परवाह न करते हुए श्री चंदन कुमार ने गोलीबारी की दिशा में सीधे आगे बढ़ने का निर्णय लिया। तभी माओवादी की संतरी पोस्ट के अंदर से दो माओवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन ये दोनों निर्भीकतापूर्वक आगे बढ़ते रहे और अत्यंत निकट पहुंचकर उन्हें मार गिराया। माओवादियों ने बचकर भाग निकलने के लिए अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी गोलीबारी करके इन्होंने माओवादियों को घायल कर दिया, जो वापस घने जंगल की ओर भाग गए। बाद में उस क्षेत्र की तलाशी के दौरान चार माओवादियों के शव बरामद हुए। श्री चंदन कुमार सहाय कमांडेंट और श्री अमरनाथ मिश्रा कांस्टेबल ने माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन के दौरान अनुकरणीय साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ निष्ठा का प्रदर्शन किया। श्री चंदन कुमार। श्री अमरनाथ मिश्रा। नायब सुबेदार सुरेंद्र सिंह, चतुर्थ बटालियन, दी पैराशूट रेजिमेंट, विशेष बल। अगस्त 2016 में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने खोजी दल के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भागने की कोशिश की। बिना समय गवाए और अपनी जान की परवाह न करते हुए नायब सुबेदार सुरेंद्र सिंह उस चट्टान की तरफ दौड़े जिसके पीछे आतंकवादियों ने आड़ ले रखी थी। आतंकवादियों ने आप पर दो ग्रेनेड फेंके, फिर भी आप निडरता और साहस से आतंकवादियों की तरफ बढ़ गए। अंधाधुंध गोलीबारी के बीच आप एक बड़ी चट्टान के ऊपर चढ़कर दो आतंकवादियों के ठीक ऊपर आ गए और एक आतंकवादी को बहुत पास से मार गिराया। दूसरे आतंकवादी ने आपकी तरफ एक ग्रेनेड फेंका। वीरतापूर्ण पहल और अद्वितीय युद्ध कौशल को दर्शाते हुए आप आतंकवादी के और नजदीक गए और बहुत नजदीक से उसे मार गिराया। नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह ने अदम्य साहस, निस्वार्थता, अपनी जान की परवाह न करते हुए निर्भीकता का प्रदर्शन करते हुए दो आतंकवादियों को मार गिराया। नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह। सिपाही वेंकट राव अबोतुला, 8वीं बटालियन दी मद्रास रेजिमेंट। अक्टूबर 2016 में सिपाही वेंकट राव अबोतुला जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आर्मी कैंप में रात को संतरी पोस्ट पर तैनात थे। सुबह के समय आपने 25 से 30 मीटर की दूरी पर फेंस के बाहर संदिग्ध गतिविधि देखी, तो आपने तुरंत गार्ड कमांडर और बाकी गार्ड जो नजदीकी बंकर में थे को सतर्क किया तथा दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को चुनौती दी। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आपने तुरंत जवाबी अचूक फायर करके आतंकवादियों को वहीं पर रोक दिया। निरंतर जवाबी गोलीबारी में आतंकवादी गंभीर रूप से घायल हो गए। आतंकवादियों ने संतरी पोस्ट पर सटी गोलीबारी जारी रखी। अपने जीवन को गंभीर खतरे की परवाह न करते हुए सिपाही अबुतुला ने लूप होल के द्वारा आतंकवादियों पर गोलीबारी जारी रखी और एक आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया। सिपाही वेंकटराव अबुतुला के शौर्य, साहसपूर्ण और त्वरित कार्रवाई से गुप्त हमले को रोका जा सका, जिसके परिणाम स्वरूप तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया। सिपाही वेंकटराव अबुतुला। नाथ राव सहायक असॉल्ट कमांडर आंध्र प्रदेश और श्री चिक्कम जीवी रामचंद्र राव वरिष्ठ कमांडो आंध्र प्रदेश। आंध्र उड़ीसा सीमा के रामग्रह गांव के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में ग्रेहाउंड कमांडो द्वारा माओवादियों के खिलाफ 24 अक्टूबर 2016 को ऑपरेशन किया गया, जिसमें ग्रेहाउंड्स ने दो माओवादियों को मार गिराया
और लगभग 60 से 70 माओवादियों का पीछा किया। सहायक असॉल्ट कमांडर श्री पी त्रिनाथ राव ने कमांडो के छोटे दल के साथ गोलीबारी के बावजूद नाला पार किया। उन्होंने और उनके दल ने 20 से 25 माओवादियों को गांव की तरफ बढ़ने से रोका। माओवादी पहाड़ी पर चढ़कर भारी गोलीबारी करने लगे तथा हथगोले फेंकने लगे। श्री पी त्रिनाथ गोली लग जाने के बावजूद निर्भीकता से डटे रहे और एक छोटे से दल का नेतृत्व कर 3 माओवादियों को मार गिराया और अन्य को पहाड़ी से उतरने के लिए मजबूर कर दिया। जब वरिष्ठ कमांडो श्री चिक्कम जीवी रामचंद्र राव ने ये महसूस किया कि माओवादी बचकर भाग सकते हैं, तो वे पहाड़ी के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ लगाते रहे और माओवादियों पर गोलियां चलाते रहे ताकि उन्हें ये लगे कि कमांडो हर जगह मौजूद हैं, तथा दृढ़ता के साथ लड़ना जारी रखकर अपनी UBGL से 2 गोले दागे। परिणाम स्वरूप 5 माओवादी मारे गए और बहुत से अन्य घायल हो गए। श्री पी त्रिनाथ राव सहायक असॉल्ट कमांडर एवं श्री चिक्कम जीवी रामचंद्र राव वरिष्ठ कमांडो ने भारी विषमताओं का सामना करते हुए असाधारण जिम्मेदारी और अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए सामान्य ड्यूटी से आगे बढ़कर कार्य किया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री पी त्रिनाथ राव, श्री चिक्कम जीवी रामचंद्र राव, सिपाही आरिफ खान, दी ग्रेनेडियर रेजिमेंट 55वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स। मार्च 2017 में जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के एक गांव में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना प्राप्त होने पर लक्षित क्षेत्र के चारों ओर बुद्धिमत्ता से एक घेराबंदी की गई। सिपाही आरिफ खान इस घेराबंदी का हिस्सा थे। सतर्कता का परिचय देते हुए उन्होंने 2 व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों को देखा जो खिड़की से कूदकर घेराबंदी से भागने का प्रयास कर रहे थे। सिपाही आरिफ खान ने तत्काल उन्हें चुनौती दी। चुनौती दिए जाने पर संदिग्ध व्यक्तियों ने तुरंत उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सिपाही आरिफ खान ने अदम्य साहस, अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए तुरंत आतंकवादी पर जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी और एक आतंकवादी को वहीं ढेर कर दिया और दूसरे आतंकवादी को बचकर भागने से रोक दिया। सिपाही आरिफ खान ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अनुकरणीय साहस और सूझबूझ का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक कट्टर आतंकवादी मारा गया। सिपाही आरिफ खान। कर्नल ऋषि कुमार राय, तोपखाना रेजिमेंट 155 फील्ड रेजिमेंट। अप्रैल 2017 में आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित पंचगांव गैरिसन पर हमला कर दिया। गनर ऋषि कुमार राय इस गैरिसन के पोस्ट पर संतरी तैनात थे। जब उन्होंने देखा कि भारी मात्रा में अस्त्रों से लैस आतंकवादी अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए उनकी पोस्ट के नजदीक आ रहे हैं, वे उनसे प्रभावपूर्ण ढंग से भिड़ गए। जब वे उन पर गोलीबारी कर रहे थे तब उनके बुलेट प्रूफ पटके पर गोली आकर लगी, किंतु वे इसकी परवाह न करते हुए आतंकवादियों से लड़ते रहे और तुरंत अपनी असाधारण वीरता का परिचय देते हुए दौड़कर अपनी जगह से बाहर निकले और मारे गए आतंकवादी का हथियार उठाकर दूसरे आतंकवादी से लड़ने लगे। इस दौरान वे गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, किंतु जब तक उन्हें सुरक्षित बाहर नहीं निकाला गया वे लगातार आतंकवादियों पर गोली बरसाते रहे। गनर ऋषि कुमार राय ने अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए कर्तव्य निष्ठा से ऊपर उठकर अद्वितीय सूझबूझ, असाधारण वीरता और साहस का प्रदर्शन किया। गनर ऋषि कुमार राय। लांस नायक बदर हुसैन, 4th बटालियन जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। 7 जून 2017 को लांस नायक बदर हुसैन जम्मू और कश्मीर के उरी जिले के कोवाल्टा जंगल के अंदर तलाशी दल के अग्रणी स्काउट थे। आतंकवादियों की तलाशी के निरंतर अभियान में उनको आतंकवादियों के बारे में सूचना प्राप्त हुई और उन्होंने तत्काल अपने दल को सतर्क कर दिया।
निरंतर गोलीबारी में उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। अपने साथी के लिए खतरे को भांपते हुए उन्होंने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर स्वयं को खतरे में डाल दिया और आतंकवादियों पर बड़े पैमाने पर गोलीबारी की, जिससे कि दूसरे लोग उनके साथी को सुरक्षित जगह पर ले गए, परंतु आतंकवादी बच निकले। 9 जून की दोपहर को 1:45 पर जब आतंकवादी पुनः दिखाई दिए तो उन्होंने उनकी नाकेबंदी कर दी और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए उन पर सटीक गोलीबारी की, जिससे एक आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारा गया और दूसरा लकड़ी के लट्ठे के पीछे छिपा हुआ आतंकवादी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए रेंगते हुए वो आगे बढ़े और बिल्कुल निकट से दूसरे आतंकवादी को भी धराशायी कर दिया। लांस नायक बदर हुसैन ने अपने साथी के प्राणों की रक्षा और दो आतंकवादियों की मौत को घाट उतारने में शूरवीरता और कर्तव्य से उठकर अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। लांस नायक बदर हुसैन। कैप्टन अबेजर अभिनव शुक्ला, 2nd Battalion, दी पैराशूट रेजिमेंट, विशेष बल। कैप्टन अभिनव शुक्ला उस दल का हिस्सा थे जिसमें जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले में DPS श्रीनगर की इमारत में छिपे दो फिदायीन आतंकवादियों का सफाया करने का कार्यभार सौंपा गया था। निकट रेकी के दौरान वे ग्रेनेड फटने से जख्मी हो गए। जख्मी होने के बावजूद उन्होंने सैन्य टुकड़ी का स्वेच्छा से नेतृत्व संभाला और अनुकरणीय नेतृत्व का परिचय देते हुए लगभग 40 फुट ऊंची परिसर पर निरंतर गोलीबारी करते हुए सबसे पहले चढ़कर प्रवेश किया। इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल की तलाशी के दौरान फिदायीन आतंकवादी ने कैप्टन अभिनव शुक्ला पर नजदीक से गोलीबारी कर उन्हें जख्मी कर दिया। अपने जख्मों और दर्द की परवाह न करते हुए वे निरंतर आगे बढ़ते रहे और आतंकवादी पर अचूक गोलीबारी करते रहे। नजदीकी गोलीबारी में उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया। कैप्टन अभिनव शुक्ला स्वयं को सुरक्षित स्थान पर ले जाने से मना करते हुए निरंतर अपने दल का मार्गदर्शन करते रहे और पीछे से सहायक गोलीबारी करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया गया। कैप्टन अभिनव शुक्ला ने वीरता, अदम्य साहस और उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक अत्यंत जटिल और कठिन ऑपरेशन को समाप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। मेजर अभिनव शुक्ला। कैप्टन, अब मेजर रोहित शुक्ला, राजपूत रेजिमेंट, 44th Battalion, दी राष्ट्रीय राइफल्स। 3 जुलाई 2017 को जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा जिले के बामुन गांव में 3 से 4 आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना प्राप्त होने पर कैप्टन रोहित शुक्ला ने संदिग्ध मकान की चुपके से तत्काल घेराबंदी कर दी। सुबह 7:40 पर मकान से बाहर आते हुए 3 व्यक्तियों ने चुनौती मिलने पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता न करते हुए आपने आतंकवादियों पर कार्रवाई की, जिससे एक आतंकवादी मारा गया और दूसरा घायल हो गया, जबकि तीसरा आतंकवादी मकानों की तरफ भागा। आपने अदम्य इच्छा शक्ति और असाधारण साहस का प्रदर्शन करते हुए तथा उत्कृष्ट रणनीतिक कुशाग्रता का परिचय देते हुए उस पर MGL की गोलीबारी की तथा भागते हुए आतंकवादी पर निशाना साधकर उसे निष्प्रभावी कर दिया। बाद में तीसरे आतंकवादी की तलाश के दौरान आतंकवादी द्वारा दागे गए ग्रेनेड से आपका पैर जख्मी हो गया। घायल हो जाने के बावजूद गोलीबारी जारी रखते हुए अपने दल को लक्षित मकान के परिसर से सुरक्षित निकालने के लिए आपने व्यक्तिगत रूप से दल का नेतृत्व किया। कैप्टन रोहित शुक्ला ने अदम्य साहस, पहल तथा बहादुरी का परिचय देते हुए 2 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। मेजर रोहित शुक्ला। हवलदार मुबारक अली, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, 55th Battalion, दी राष्ट्रीय राइफल्स। जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा जिले में ताहब क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में सूचना प्राप्त होने पर 30 जुलाई 2017 को घेराबंदी और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया।
सुबह लगभग 8:50 पर हवलदार मुबारक अली ने गली में दो संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधि को देखा और उन्हें चुनौती दी। इस पर दोनों आतंकवादियों ने आप पर तुरंत गोलीबारी की। आपने भारी गोलीबारी के बीच अदम्य साहस का परिचय देते हुए उन पर अंधाधुंध जवाबी गोलीबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप एक आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारा गया। दूसरे आतंकवादी ने ओट लेकर आप पर गोलीबारी शुरू कर दी। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप घुटने के बल रेंगते हुए आगे बढ़े और अपने स्थान में परिवर्तन करते हुए आतंकवादी को उलझाए रखा। इस दौरान आप गोली से घायल हो गए। फिर भी कर्तव्य से ऊपर उठकर अनुकरणीय नेतृत्व तथा साहस का प्रदर्शन करते हुए आपने दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। हवलदार मुबारक अली ने अनुकरणीय नेतृत्व तथा कर्तव्य से ऊपर उठकर साहस का परिचय देते हुए दो कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। हवलदार मुबारक अली। राष्ट्रपति महोदय, आपको अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए।